देखिए, हमारा तो शुरू से मानना है कि जो एक्साइज पॉलिसी बिना किसी नियम कानून को देखे बिना लाया गया, जिस प्रकार से दिल्ली की महिलाओं के, दिल्ली के लोगों के प्रचंड विरोध के बावजूद भी गली गली में शराब की दुकान खोलना, शराब की दुकान को स्कूल के सामने भी, मंदिरों के सामने भी, मस्जिदों के सामने भी, मतलब देवालयों के सामने भी शराब की दुकान खोलना, स्कूलों के सामने खोलना, ये सारी अनियमितताओं के बावजूद उन्होंने न दिल्ली की जनता की सुनी, न तो हम सांसदों की सुनी। हम आज बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी हुई है और माननीय एलजी के ऑफिस से सीबीआई इंक्वायरी का जो कार्य शुरू हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी को भी इसमें सांच को आंच क्या हो सकती है। अब इसका स्वागत करते हैं और हमें, मैं एक ही बात पे अडिग हूँ, हमारी पार्टी अडिग है कि जिन लोगों ने नियमों को ताक पे रख के इस प्रकार से अनियमितता किया, दिल्ली को शराब नगरी बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जांच के बाद। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, चूंकि मनीष सिसोदिया का नाम इस पूरे मामले में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उनका ये कहना है कि मैं तो एक महीने पहले से जानता हूँ कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की साजिश हो रही है, उनको जेल भेजा जाएगा। उनका ये कहना है कि एक नया सिस्टम बन गया है कि ऊपर से डिसाइड होता है कि किसको कहाँ जेल भेजना है, किस तरह से जेल भेजना है, ये एक नया सिस्टम बनाया गया है। अब अरविंद केजरीवाल पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं मनीष सिसोदिया को जेल जाना है, तो अगर ये अरविंद केजरीवाल जी की कोई कोशिश है कि मनीष सिसोदिया जेल जाएं, तो ये उनके बीच का क्या खेल है हमें इससे पता नहीं। हमें नहीं मालूम इसमें कौन दोषी है, लेकिन जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से हमारा राजनीतिक कद पंजाब में, हिमाचल में या दूसरे राज्यों में बढ़ रहा है, उससे ये लोग डर गए हैं, लेकिन हम जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक कद कितना उनका बड़ा है पंजाब में, ये तो संगरूर के चुनाव से पता चल गया। जहां के सांसद सीएम बने, वो सीट ही हार गई आम आदमी पार्टी विद इन 3.5 मंथ्स। तो कितना कद उनका बड़ा है ये तो सबको पता है, लेकिन हम नियम कानून कद देखकर नहीं चलते। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप गलत करेंगे, तो कानून आपको सजा देगा।